कन्यादान, रचनाकार ऋतुराज। बच्चों, यह कविता प्रसिद्ध कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि विदाई के समय माँ के द्वारा अपनी पुत्री को परंपरागत आदर्शों से हटकर एक नई सीख दे रहे हैं। आइए कविता पढ़कर उसके बारे में जानते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख पाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ को आभास होता है कि उसे अपनी बची पूंजी को भी दान कर दिया है, उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे अपना समझ सके। उसके हृदय में से स्वयं ही उद्गार फूट पड़ते हैं कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी? वह तो विवाह से संबंधित सुखों की कल्पना इच्छा में जी रही थी, जो अस्पष्ट थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी, काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थी, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है कि अपने सौंदर्य पर इतना मत सहज रहना और किसी के प्रशंसात्मक शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। माँ समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना, इससे आग के समान सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए है होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। अतः सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना। शाब्दिक भ्रम की तरह अर्थात प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहस पूर्वक मुकाबला करना। यह था पाठ का सार ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान।